बेटा आज मैं तुम्हें स्कूटर पे डांस सिखाऊंगा। स्कूटर पे क्यों दादाजी, जमीन पे सिखाइए ना। मतलब कि मैं आज तुम्हें स्कूटर डांस सिखाऊंगा। मैं जो भी मूवमेंट करूंगा ना वो एक स्टेप है, मैं जो करूंगा उसको वापिस तुम करना, ठीक है। अभी स्कूटर निकाल रहा हूं मैं, देखो। बहुत दिनों के बाद चालू करना है ना, तो उसको ऐसा टेढ़ा करना पड़ता है। अच्छा क्या बेटा, अभी देखो हा? अभी ये मैं स्कूटर के ऊपर, तू तो बहुत जल्दी सीख गया स्कूटर चलाना। नहीं, डांस करना ऐसा ही डांस है ना, ऑडिशन में करना और अपने गुरु का नाम रोशन करना। हाँ, पर कौन से गुरु का दादाजी? अरे दादाजी स्कूटर तो देते जाइए। बॉस अब तो शाम हो गई है, अब तो घर पे चले। हाँ बॉस, बहुत भूख भी लग रही है, आपके पास कुछ खाने के लिए है? हाँ है ना। क्या है बॉस? थप्पड़। खाओगे? नहीं नहीं बॉस, नहीं नहीं, अचानक से मेरा पेट भरा भरा से लग रहा है। हाँ बॉस मेरा भी। अभी पेट भरा है ना, तो चलो अभी काम पे लग जाओ। जब तक ऑडिशन के लिए एंट्री सेट नहीं हो जाती ना, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। पर बॉस करे क्या? ये देखो मेरा नया प्लान। बॉस सब लोग करेंगे क्या? बता तो, मैं इसके ऊपर खड़ा रहूंगा और तू मुझे धक्का देगा, और फिर मैं स्टेज पे बिना चले लहराते हुए एंट्री लूंगा, समझा? हाँ बस। तो चल अभी पकड़ इसको। ठीक है बॉस। पकड़ा ठीक से? हाँ हाँ बॉस पकड़ा। ए रोहित तू क्या करेगा? आपको लहराते हुए देखूंगा बॉस। चुप दुआ चो दुआ। ठीक है। ए बॉस दुआ। केवल रेडी? आवाज रेडी, लगा धक्का। ठीक है बॉस। ए केवल धक्का देना। हाँ मैं लगा रहा हूँ। केवल धक्का लगाना। हाँ बस लगाता हूँ। अरे हाँ यार, ये मारना रे, अब तो धुआं भी खत्म हो गया है। तू धुआं छोड़। बस धुआं तो छोड़ रहा हूँ। अरे मेरा मतलब है धुआं देना बंद कर और आके तू भी धक्का दे। नहीं नहीं बस यही काम ठीक है। हाँ तो चलो भाई। निकाल दे। निकालो।
मोंटू बॉस, आपका ये आइडिया भी फ्लॉप गया। अब परीक्षा देने की बारी तुम्हारी है भयंकर परी। अब क्या होगा, सत्यजल से तो भयंकर परी की असलियत सबके सामने आ जाएगी और सत्यजल को तो भयंकर परी भी धोखा नहीं दे पाएगी। जाएगा भयंकर परी का झूठ। परी लोक में रहने का तुम्हारा समय समाप्त हुआ भयंकर परी। हे पवित्र और सच्ची आसमानी शक्तियों, अपनी असीम शक्तियों से इस पवित्र सत्यजल को जागृत करो। जल कभी गलत नहीं होता। हमें जरा सी भी आशा नहीं थी भयंकर परी कि आप सत्य जल की परीक्षा पार कर पाएंगे। मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ रानी परी। आपको ही क्या, मुझे भी आशा नहीं थी कि मैं कभी सुधर सकती हूँ, मेरे अंदर की बुराई कभी खत्म हो सकती। इस सत्य जल की परीक्षा से गुजारने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हम भी ये जानकर बहुत खुश है कि आप बदल चुकी है भयंकर परी और बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई को अपना रही है। हम बेहद खुशी के साथ आपका परीलोक में स्वागत करते हैं और परीलोक में रहने की आज्ञा देते हैं। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो भयंकर परी, खुश रहो। लेकिन हुआ कैसे ये चमत्कार? बुराई तो थी परी भयंकर के दिल में, फिर भी कर गई वो पार कैसे सत्यजल की परीक्षा? आप छोड़िए बापूजी, छोड़िए, आप छोड़िए, मैं खुजा के देता हूँ ना। अरे मैं खुजा नहीं रहा हूँ, मैं योगा कर रहा हूँ। अच्छा, योगा कर रहे हैं? कीजिए बापूजी, कीजिए, होगा, आपसे होगा। भगवान बचा लीजिए, आज बॉस की डांट से बचा लीजिए प्लीज। ये लीजिए, आपका टिफिन भी रेडी है, तुम खा लो। आज बॉस की डांट खानी है, उसी से पेट भर जाएगा। बॉस क्यों डांटेंगे? बहुत बड़ा घाटा हुआ है कंपनी में स्मिता, ठीक से कंपनी चल ही नहीं रही है। लो बोलो, मैं अकेली इतना बड़ा घर चला रही हूँ, पर आप लोग इतने सारे लोग मिलकर एक छोटी सी कंपनी नहीं चला सकते? बच्चों रुको, मैंने तुझे ऑडिशन के लिए जो स्कूटर डांस सिखाया था वो ठीक से याद है ना, या मैं फिर से करके दिखाऊं? नहीं बापूजी, बापूजी नहीं, अभी अभी टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, आप अटक जाएंगे फिर, वो ये वाला नहीं, प्लीज प्लीज। हाँ दादाजी, मैंने स्कूटर डांस के साथ वो साइकिल डांस ट्रीन ट्रीन और वो कार डांस बीप बीप वो भी सीख लिया है। वाह बेटा वाह, आज ऑडिशन के स्टेज पे सिर्फ तेरी गाड़ी चलेगी।
है? तू मुझे डांस का ड्रेस देने वाली थी, वो कहाँ है? ड्रेस और शूज सब मेरे पास है, और ऑडिशन में वही शूज पहना जो मैं तुझे कहूंगी। और हाँ, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, समझे? अब चल। अरे बच्चों, दही खाकर जाओ, ये लो। स्मिता, मैं जा रहा हूँ। क्या जा रहा हूँ? टिफिन कौन लेकर जाएगा? और ये दही शक्कर खाकर जाइए, आपको जरूरत है। क्या कर रहे हैं आप? हे स्मिता, ये पूरी धरती हिल रही है। स्मिता, धरती नहीं हिल रही, आप हिल रहे हैं। अरे सीधे खड़े रहिए ना। दही गिर जाएगा। अरे महेश, बच्चे चले गए, अभी तू किसको डांस सिखा रहा है? ये क्या कर रहा है तू? कौन सी खुशी में डांस कर रहा है तू? मैं डांस कर रहा था बापू जी। घर में वो डांस का एटमॉस्फेयर चल रहा है ना बाबूजी, शायद इसलिए होगा। शायद हाँ बाबूजी, शायद बॉस मेरे दिमाग में ऐसा डांस कर रहा है। यार मुझे मुझे शायद डांसेरिया हो गया यहाँ। क्या? नहीं शायद, क्या 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 बोल रहा हूँ। हाँ लाओ लाओ लाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए। मुझे ये बताइए, ये हमारी कंपनी इतना घाटा क्यों कर रही है? आप लोग इतने सारे लोग हो, किस बात का पगार लेते हैं? आप में से कोई भी नहीं जो इस कंपनी को ठीक तरह से चला सके। स्मिता। कौन कौन स्मिता? सर मेरी वाइफ, वो भी आज ऐसा बोल रही थी। बोलो, वो अकेली पूरा घर संभाल सकती है, लेकिन हम लोग इतने सारे लोग मिलके एक कंपनी नहीं चला सकते। मिस्टर महेश, हम एक काम करते, हम आपकी पत्नी को आपकी जगह पे यहाँ रख लेते। नहीं सर, वो नहीं करेगी। क्यों? सर बच्चों का सारा काम देखना, उनकी पढ़ाई, किचन का सारा काम, साफ सफाई, माँ बापूजी की ओर देखना, सब करती है सर। इतने बड़े बड़े काम है उसके पास, ये कंपनी हमने ज्वाइन नहीं करेगी सर। टाइम नहीं उसके पास। नहीं ना? तो चुप। सॉरी सर। अब मुझे बताइए कि हम में से कोई कोई भी नहीं जो अपनी कंपनी का मुनाफा रातों रात बढ़ा सके? मेरे पास है सर। है ये? आई आई। तो अब मिस्टर महेश हम सबको बताएंगे कि हमारी कंपनी रातों रात करोड़ों का मुनाफा कैसे कर सकती है, और जो करोड़ों का घाटा हो रहा है वो तो उनके मुताबिक बहुत मामूली सी बात है। चलिए चलिए। क्योंकि मानव को डांस है। हाँ हाँ, मैंने ड्रेस तो पहन ली है, पर मेरे वो शूज जो तू मुझे देने वाली थी। अरे हाँ, मैं अभी देती हूँ। मानव एक मिनट, मैं अभी लाके देती हूँ तुझे। चलो जागो। अरे डांस करो। क्या हुआ? मैं तो ताली बजा रही हूँ, ये डांस क्यों नहीं कर रहे हैं? मानो मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है।
अगला नाम आपका होगा, एकदम तोड़ू डांस करना। तोड़ू डांस? उसमें तो बॉस एक्सपर्ट है, दो बार स्टेज पे जोर से कूदेंगे ना पूरा स्टेज तोड़ देंगे, है ना मंटू बॉस? लोग मेरी हिम्मत कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो? कम, मेरा मतलब है कम करे हिम्मत भगवान आपके दुश्मन होती मंटू बॉस। दुश्मनों से याद आया, ये मानव मेहर कहाँ है? बॉस ठीक से खड़ा रहे, ठीक से, और यहाँ खड़ा रहकर मेरा तोड़ू डांस देख, तोड़ू डांस, और ये देख कैसे मैं डांसर ऑफ द ईयर बनता हूँ। मोंटू इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है, घमंड करने वाले का सिर हमेशा सबके सामने नीचा ही होता है, इसलिए अब अपने डांस पे ध्यान दो। अब टॉप 10 में बस दो ही बच्चे सिलेक्ट होने बाकी है। सिलेक्शन की चिंता तुम मत करो, मैं तो सिलेक्ट हो ही जाऊंगा। तुम ये चिंता करो कि तुम दोनों में से टॉप 10 में मुझसे हारने के लिए कौन आएगा। हाँ, और वो मेहर बड़ा चैलेंज देकर गई थी कि तू हराएगा मुझे, तो मैं किद्दी तू हराएगा मुझे, तू हराएगा। और अब ऑडिशन के लिए आ रहे हैं मोंटू। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था मोंटू। थैंक यू मैम। लेकिन अब देखते हैं कि जजेस को आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स। मानो अब ऑडिशंस पूरे होने वाले हैं, बस हम दोनों ही बचे हैं। हाँ, और मोंटू के बाद मेरा नाम आया तो मैं तो रिजेक्ट हुआ समझो। ऐसा क्यों कह रहे हो मानो? अरे मैं मेरा डांसिंग शूज लेकर अभी तक नहीं आई ना, और मैंने उन शूज के बिना डांस करने के लिए मना भी किया है। अरे हाँ, मैं तो नाचने वाले जूतों के बारे में भूल ही गया था, पर मेहर अभी तक नाचने वाले जूते लेकर क्यों नहीं आई? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।